वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज की इकॉनमी के हवाले से। फ्लड की सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर देखी जा रही है, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इकॉनमी के ऊपर देखा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब अभी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशन का 77th इजलास जारी है और 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये स्टार्ट होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक नंबर है वो 12th है। इट मीन्स के वो तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे खिताब करेंगे यूनाइटेड नेशन से। पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को जो अभी मुश्किलात का सामना है, खासकर फ्लड के हवाले से, कार्बन इमिट कंट्रीज की जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान देते हुए दिखाई दे रहा है, तमाम चीज़ें, तमाम एजेंडा यूनाइटेड नेशंस में रखेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, कितनी ज़्यादा अभी जो ये एक कॉस्ट पे कर रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं सैलाबी मुतासरीन यानी कि फ्लड अफेक्टीज बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं। वो खुले आसमान के तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, साथ साथ उनके कारोबार तबाह हो गए। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर काफ़ी डेंट पड़ा है। हम कह सकते हैं कि क्रॉप्स अगर बात की जाए कॉटन के हवाले से, वीट के हवाले से, तो हमारा इंपोर्ट बिल वैसे ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, हमारे पास इंपोर्ट चैलेंजेस वैसे ही मौजूद थे, करेंसी के हवाले से काफ़ी इश्यूज थे, डॉलर एप्रिशिएट डेली बेसिस पे कर रहा है, तो इट मीन्स कि हमें पहले ही चैलेंजेस का सामना था। और अगेन ये जो एक नेचुरल डिजास्टर है, जो एक कॉस्ट है, जो कि पाकिस्तान जिसमें बिल्कुल यू नो कोई जिसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, फिर भी उसे पे करना पड़ रहा है, इट मीन्स कि ये एजेंडा पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए और उसमें काफ़ी जो एक लीनियंसीज हैं, काफ़ी इसके बदले की चीज़ें हैं वो मिलना चाहिए और पाकिस्तान का हक भी है। पाकिस्तान के डेट स्वैप होने चाहिए, पाकिस्तान को और मरात मिलनी चाहिए और पाकिस्तान को इस एड में हम कह सकते हैं कि हर साल ये फ्लड जो है फोरकास्ट की जा रही है, तो हर साल इसका जो टैक्स है वो पूरी दुनिया पर लागू होना चाहिए कि वो कंट्रीज़ जो इस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं उनको उनका साथ दिया जाए, उनको अकेला ना छोड़ा जाए। तो आज हम ये डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस करें। आज के दिन हमने देखा मार्केट के लेवल्स जो हैं वो 40,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर अगेन कॉशियस स्टैंड देखा जा रहा है, वो चार्म, वो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग या वो हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक लैक हो रही है, मिसिंग हो रही है मार्केट के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक नंबर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन कब तक कंटिन्यू रहेगी, ये भी आज हम डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। मार्केट परफॉर्मेंस वीकली अपडेट्स देखते चलते हैं। मंडे के दिन 41,520.59 के ऊपर क्लोजर रहा, 158.9 का डिक्लाइन देखा गया, 148.15 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पूरे हफ्ते के अंदर एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है मार्केट की परफॉर्मेंस, रेड टेरिटरी, काफ़ी हद तक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, साथ साथ ये भी है कि जो एक लैकिंग ऑफ वॉल्यूम्स है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ट्यूसडे के दिन 41,220.91 पे क्लोजर रहा, फर्दर गिरावट देखी गई, 299.68 का डिक्लाइन, 156.55 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। वेंसडे के दिन अगेन मार्केट के अंदर फर्दर मजीद रेड टेरिटरी परफॉर्मेंस, 40,965.58 पे क्लोजर, 255.33 पॉइंट्स मार्केट ने डिक्लाइन किए। इट मीन्स के मार्केट ने 41,000 का लेवल लूज किया, 170.39 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। थर्सडे के दिन, दैट इज यस्टरडे, कल के दिन मार्केट ने थोड़ा फ्लैट बिहेव किया, 40,927.95 पे क्लोजर, 37.63 मिलियन शेयर्स पे क्लोजर रहा एंड 189.99 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पूरे हफ्ते के दिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कल के दिन जनरेट हुए, फ्राइडे के दिन, आज के दिन 40,620.21 पे मार्केट का क्लोजर रहा, 307.74 का डिक्लाइन देखा गया। पूरे वीक के अंदर आज के दिन सबसे ज़्यादा हमने पॉइंट्स जो है वो लूज़ किए, 164.91 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन हम कह सकते हैं कि मार्केट के जो नंबर्स हैं वो फर्दर डिक्लाइन की तरफ दिखाई दिए, साथ साथ पूरे वीक के अंदर यही डिक्लाइनिंग ट्रेंड विटनेस किया गया। ओवरऑल रोल ओवर वीक के साथ साथ हम कह सकते हैं इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स काफ़ी डाउन दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के हवाले से, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है, साथ साथ 77th ये यूनाइटेड नेशंस का जो सेशन है वो दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पाकिस्तान के लिए, ये प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देखेगी और तमाम बिजनेस कम्युनिटी भी देखेगी इंटरनेशनल, तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक अगर एजेंडा पुटअप किया जाए तो इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को जो इशूज़ मौजूद हैं, जो चैलेंजेस मौजूद हैं, फर्दर
मतलब फ्लड के हवाले से काफी इसके इश्यूज बढ़ गए हैं, वो क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान अपना केस कैसे पुटअप करता है और पाकिस्तान की जो पोजिशन और परस्पेक्टिव देखा जा रहा है रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज में, तो वो काफी कंसर्न का हम कह सकते हैं बाइस है, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, बिजनेसमैन भी हैं और चेयरमैन हैं PCDMA के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आप इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ ओवरकॉल मौजूद होंगे शाहिद अमीन साहब, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं चाहूँगी ये कमेंट, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की प्रेजेंस और प्राइम मिनिस्टर साहब की आज स्पीच भी विटनेस की जाएगी रात को, आप समझते हैं कि ये जो इश्यूज हैं, ये जो चैलेंजेस हैं जो पूरी दुनिया फेस कर रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ये एक तरीके की वार्निंग है जो हर साल हमें विटनेस करना पड़ेगी, तो कैसे इससे टैकल किया जाएगा, कैसे इससे निपटा जाएगा? और वैसे ही हम स्ट्रगलिंग कंट्री हैं। यस, टॉप 10 में आते हैं जो इफेक्टेड कंट्रीज हैं, हम उन टॉप 10 में इंक्लूडेड हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस जो प्राइम मिनिस्टर साहब की इस वक्त यूनाइटेड नेशन में जो प्रेजेंस है और उन्होंने दूसरे सरबराहान से मुलाकात की है, देखिए इसमें दो एस्पेक्ट बहुत अहम हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी शुरू में इग्नोर करती रही, वो था मैग्नीट्यूड। ये मतलब इसको आम फ्लड नहीं लिया जा सकता, इसका मैग्नीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट था। स्टेट बैंक के जो एस्टीमेट है, कल के एस्टीमेट्स जो फाइनल आए हैं, जो हमारा जीडीपी का टारगेट था 5.1%, वो ड्रॉप होकर 2% रह गया है जी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक लॉज है, 3% ड्रॉप ऑफ जीडीपी ग्रोथ। इसका अगर मैं बताऊँ, मैं आम लैंग्वेज में बताऊँ ना आम लोगों को, कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी होती है वो अगर आपके पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस 3% से अगर कम हो ना तो नहीं हुआ करती। 2% का मतलब है कि आने वाला वक्त जो है वो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो कोई अच्छा वक्त नहीं आ रहा। 2% जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की बहुत बुरे कंडीशन को शो करती है। कोविड में एक पीरियड था, लेकिन कोविड में मिरेकल हो तो उस पे अच्छी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। 2% 5.1 का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 2 पर स्टेट बैंक की स्टडी है right. और 2% का मतलब है कि जीडीपी का कोई ये बनेगा $9 बिलियन के करीब लॉस बनेगा। अगर इसको डॉलर्स की टर्म में लें तो $9 बिलियन के करीब आपकी जीडीपी ड्रॉप हो जाएगी। उससे आप अंदाज़ा कर लें इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी। ये तो जीडीपी का है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एसेट्स का लॉस हुआ है, जो एग्रीकल्चर और दूसरे एसेट्स हैं, $40 बिलियन के एसेट्स का लॉस हुआ है। $40 बिलियन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के टोटल जो डेट्स हैं उसका कोई 50% और तकरीबन लगभग आपके एक्सटर्नल डेट के इक्वल, इतना बड़ा ये एसेट्स का लॉस है जो ग्रोथ लूज की है। अच्छा, उसमें ये अच्छा, फिर दूसरा इसके सोशल जो एस्पेक्ट है, ये तो इकोनॉमिक हम बात कर रहे हैं ना, क्वांटिफिकेशन। 1/3 ऑफ द कंट्री अंडर फ्लड एरिया है, 1/3 ऑफ द कंट्री 1,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है, 3.3 मिलियन की पॉपुलेशन अफेक्टेड है। ये सब चीज़ें हाईलाइट करनी थी मैग्नीट्यूड की। उसके अलावा दूसरी जो वर्ल्ड को बतानी थी, शुरू में ये समझ नहीं रहे थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी समझ नहीं रही थी, जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने खुद आपने हमारे यहाँ विजिट किया, अपनी आँख से ये लॉजेज देखे, तो अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कंपेन कर रहे हैं कि अब उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग आज भी मीटिंग हुई है, और प्राइम मिनिस्टर साहब की आज 3 मीटिंग्स हुई हैं जो न्यूज़ मैंने देखी है। दूसरा, मैग्नीट्यूड के अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लॉजेज हुए हैं ये हमें समझना होगा कि ये लॉजेज जो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हुए हैं उसमें, उस ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजिंग में पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन 0.5% से भी कम है, लेकिन इफेक्टिव जो कंट्रीज हो रही हैं पाकिस्तान उनमें टॉप में आ रहा है। जो कंट्रीज जिनकी कोई कसूर नहीं, देखिए ना, जो जिनकी वजह से इफेक्ट हो रहा है उनके, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए, उनका एक्सेसिव यूज़ ऑफ कार्बन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, उसकी उनकी तो प्रोडक्शन बढ़ रही है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उनके उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, उनकी ट्रेड बढ़ रही है, उनको फ़ायदे हो रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने उन प्रॉफिट्स पर टैक्स भी लगाए हैं, कार्बन इमिशन टैक्स लगाया है, एनवायरमेंटल टैक्स लगाए हैं, लेकिन वो कलेक्ट कौन कर रहा है, उन्हीं की कंट्री कस कर रही हैं, वो वहीं यूटिलाइज हो रहा है ग्लोबली। तो इसकी एग्जांपल भी मौजूद है, ग्लोबली जो अफेक्टेड हो रहे हैं ये टैक्स बेसिकली उसका हक बनते हैं, वहाँ यूटिलाइज होने चाहिए जो अफेक्टिव हैं। 3-4 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी अफ्रीकन कंट्रीज़ में,
पूरी दुनिया ने उसको रियलाइज़ किया था और वहाँ पे किया था, उन कंपनीज से कलेक्ट किया था जिन कंपनीज की वजह से इन्वायरमेंटल इशू जिनकी प्रोडक्शन की वजह से क्रिएट हुए हैं। तो ये चीज़ हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पाकिस्तानी डेलीगेशन का वहाँ जाना इम्पोर्टेंट बनता है, इसकी इम्पोर्टेंस है। मैग्नीट्यूड नंबर वन, कितना बड़े किस मैग्नीट्यूड की तबाही है। और फिर ये नहीं, देखें उसका आने वाले वक्त पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एसेट्स का लॉस का मतलब होता है आने वाले दौर की प्रोडक्शन का लॉस हुआ है, प्रोडक्शन का लॉस है, बिजनेस का लॉस है आपकी। तो आज जो इस तरह की बातें हो रही थी कि रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट्स होनी चाहिए, उसमें देखें एक आम आदमी के जहन में सवाल होता है आईएमएफ का जो डेट होता है उसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। आईएमएफ का डेट डेवलपमेंट के लिए तो नहीं होता ना, वो यूटिलाइज तो नहीं होता जी। वो तो करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए होता है जी। प्रॉब्लम ये है कि जब आपके एसेट्स का लॉस हो गया, जब आपके ये सब इसी वजह से प्रोडक्शन का लॉस हो गया, तो आपके एक्सपोर्ट पे आने वाले वक्त में बुरा असर पड़ सकता है। इम्पोर्ट बढ़ सकती हैं, एक्सपोर्ट पे कम हो सकती हैं। तो आईएमएफ को अभी से रीशेड्यूलिंग की तरफ जाना होगा, आईएमएफ को जो मैनेज कर रहा होगा। आईएमएफ बेशक वो लोन नहीं दे रहा डेवलपमेंट, उसका उसका जुरिसडिक्शन भी नहीं है, उसके उसमें नहीं आता परव्यू में, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करने के लिए लोन दिया जाता है वो उसका परव्यू है आईएमएफ का, उसको वो मैनेज करना होगा। क्योंकि आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में, एक साल दो साल में पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ सकता है। एक्सपोर्ट हिट होंगी डेफिनेटली, इम्पोर्ट्स बढ़ सकती हैं, उसकी रीशेड्यूलिंग की आज ही ज़रूरत है। बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा पाकिस्तान को। अमीन यूसुफ साहब, आपसे इंट्रोडक्टरी कमेंट यूनाइटेड नेशन के हवाले से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच। बड़ा अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर गए और सब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे सबसे मीटिंग भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी जो मुलाकातें लोगों से हुई हैं। और इससे ये कि इसमें मैं कहूँगा कि जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट से मुलाकात, बिल्कुल यूएस प्रेसिडेंट से भी है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी अवेलेबल है, तो पूरी टीम गई है। तो देखिए इसका कोई रिजल्ट तो आएगा। और आज प्राइम मिनिस्टर जैसे प्रेजेंट करेंगे सारा अपना केस, बताएंगे लोगों को ये हमें हमारे साथ हुआ है। और एक तरह से तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, देखिए इकोनॉमी को भी लॉस होगा। एक तो आपका टैक्सेशन में लॉस होगा, जब आपकी ग्रोथ रेट कम होगी तो आपको टैक्सेशन नहीं मिलेंगे, आपकी करेंसी आपकी वीक हो रही है। करेंसी क्यों वीक हो रही है, देखिए वही देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसकी वजह से आपकी करेंसी भी वीक हो रही है, क्योंकि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी फूड आइटम्स, वीट इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको दूसरी चीज़ें इंपोर्ट कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आपके एक्सपोर्ट हर्ट करेगी। तो लॉसेज तो देखें और भी लॉसेज है ना, ये लॉसेज तो हैं, इकोनॉमी लॉसेज भी हैं जो आगे हमें आगे जाके करने पड़े। प्लस जब करेंसी आपकी वीक होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, तो सारी चीज़ें इंटरलिंक है। मैं तो भाई ने बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हमें कंपनसेट देना चाहिए जो डिजर्व करता है। हम आईएमएफ से लोन क्यों लें, आईएमएफ से तो हमारा अलग मैटर है, जिस जिस कंट्री की वजह से हमें नुकसान हो रहा है वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो रिम्बर्स करें जो हमारा लॉस हुआ है। ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी आए थे, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आके सारी चीज़ें देखी उनके सामने, तो ऑब्वियसली दुनिया को भी उन्होंने वहाँ भी बताई, अपनी स्पीच में भी बताई, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो अब दुनिया को रियलाइज करना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान इफेक्ट कर रहा है, यूएस प्रेसिडेंट साहब जी जी उन्होंने भी कहा कि अंडर बॉर्डर पाकिस्तान इज अंडर बॉर्डर, पाकिस्तान का जिक्र किया, बिल्कुल मतलब हर एक को पता है। लेकिन देखें इसको फौरन करने की जरूरत है, अगर आप टाइम लगाएंगे तसल्ली नहीं दें, देखें फौरन करें, क्योंकि देखें इससे सारी चीजें, लोग आसमान के नीचे हैं, उनके पास छतें नहीं है। इवन मैं मीडिया पे देख रहा था, आर्मी चीफ ने कहा था कि जो टेम्पररी हाउसिंग भी हो सकती है कि 5-1 लाख रुपए में घर बन जाएंगे दो कमरे के, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उसको भी करना चाहिए बिल्कुल रियल। और प्लस देखें हमें एग्रीकल्चर में भी तो वापस आना है, अगर पानी में रहेंगे तो पानी खत्म होगा, निकालेंगे करेंगे काम होगा आगे फसलें भी लगेंगी, तो हम बैठ नहीं सकते, हमें वेट एंड सी नहीं चाहिए, हमें फौरन उसका एक्शन चाहिए। और उसको फौरन मेरे ख्याल में करना चाहिए, जब आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो लोगों ने ये चीज़ें की हुई हैं तो वो फिर ज़्यादातर टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो टैक्स तो यहाँ मिलना चाहिए, जैसे उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका में डिस्बर्स किया गया है, तो फिर यहाँ भी करें ना, यहाँ भी करें, देर नहीं करें। मैं कह रहा हूँ देखिए देर करेंगे तो इकोनॉमी को और लॉस होगा और डेंट्स पड़ेंगे। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच है क्या की नोट्स होने चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट के हवाले से कहा गया है कि उसमें मौजूद होंगे और डिफरेंट इश्यूज को हाईलाइट करेंगे जो रीजनल एक इश्यूज दिख रहे हैं, फोकास्ट की जाए। उन्होंने यही दो पॉइंट्स का ही एजेंडा जो अभी तक डिस्क्राइब किया है, इन्हीं दो पॉइंट्स पर वो रहे हैं कि कितना बड़ा मैग्नीट्यूड रहा है इसका और इसको कंपनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आयद होती है जी। ये बेसिकली टॉक होगा और अभी तक ये इतनी बड़ी एक रियलिटी है कि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपके यूएस का सेक्रेटरी जनरल हो, चाइना का प्रेसिडेंट हो, बाइडन हो, यूएस का प्रेसिडेंट हो, डिनाई कर ही नहीं सकते ना, वो इसको तो एडमिट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अब इसको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में कंपनसेट करने का मैकेनिज्म क्या होगा, उस पर बात होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशन में इसी तरफ अब जो है वो बात इसी एजेंडा पर होगी। आज एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो तीन मीटिंग्स थी उनकी, उनमें एक
बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट थी जो ब्लूमबर्ग के साथ उनका इंटरव्यू था। जी एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें बिल्कुल मतलब पिन पॉइंट किया गया है कि क्योंकि ब्लूमबर्ग का ताल्लुक बेसिकली इन्वेस्टमेंट से बनता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा, वो बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा हाईलाइट करती है। तो बेसिकली जो लॉस हो रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में यकीनन तौर पे प्रॉब्लम होगी, उस तरफ हमें आना है कि उस इसको अगर देखें शॉर्ट टर्म में ये लॉस जो $40 बिलियन का एक मोहतात अंदाज़ा है, एसेट्स का लॉस है, एसेट्स जो प्रोडक्टिव एसेट्स है उनका लॉस है, ये तो शॉर्ट टर्म लॉस है। IMF क्या है, IMF हमें एक मीडियम टर्म में एक रीशेड्यूलिंग की फैसिलिटी दे देगा कि अगर हमें ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है तो उसमें एक फैसिलिटी देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें इन्वेस्टमेंट लानी है तो जो वर्ल्ड बैंक के लोन हैं, जो बायलैटरल लोन्स हैं, जो मल्टीलेटरल लोन्स हैं, उन सबको भी देखना पड़ेगा, रीशेड्यूलिंग करनी होगी। अच्छा प्लीज मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब के फॉरेन पॉलिसी कैसे देख रहे हैं, यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स चल रही हैं, उनसे भी काफ़ी हम मन सब की काउंटर पार्ट्स की मुलाकातें हो रही हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का केस पुट अप किया गया है। देखिए अभी तक तो जो नज़र आता रहा है जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसको सपोर्ट करते रहिए, वो पॉलिसी उसको अभी तक ये नज़र आ रहा है। अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का विजिट, ये फॉरेन पॉलिसी कहीं पार्ट आप लें, फॉरेन मिनिस्टर ही के साथ आए थे ना, उन्होंने विजिट किया था यहाँ आकर के, तो वो एक सपोर्ट कर रही है, वो कोई इससे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रही, उसका कंट्रीब्यूशन है और बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है फॉरेन मिनिस्ट्री का। और उसमें एक बिग चेंज नज़र भी आई है कि अब पाकिस्तान की सपोर्ट में काफ़ी जगह से बयान आने शुरू हुए हैं, काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिसको सपोर्ट कर रही हैं, खास पर्टिकुलरली जब यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से बयान आता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन और उसकी सब्सिडीज जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें डिस्कस की गई है कि हु विल पे अगर लॉस होगा, यूनाइटेड नेशन की सब्सिडीज के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, वो उनके पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, वहाँ वो डिस्कस हो सकता है। यूनाइटेड नेशन का इन्वॉल्वमेंट फॉरेन पॉलिसी को इंडिकेट करता है, ये जहन में रखें, और यूनाइटेड नेशन के अपने स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, कंपनसेशन का मैकेनिज्म मौजूद है, उस पर वो यकीनन आज भी बात होगी, बाइडन से मुलाकात अपनी जगह, ब्लूमबर्ग से अपनी जगह, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे जब बात होगी तो ये सब चीज़ें आएंगी। और यूनाइटेड नेशन के अदारे हैं, वर्ल्ड बैंक इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसी सिस्टम का हिस्सा है वर्ल्ड बैंक, दोनों उसमें, वर्ल्ड बैंक का जब हम लफ्ज यूज़ करते हैं तो एक तो IBRD होता है जो गवर्नमेंट्स को लोन देता है, IFC है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वो भी वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, जो प्राइवेट सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रही हो तो इक्विटी में और डेट फाइनेंसिंग में IFC भी आगे आता है, तो ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। मैं समझता हूँ कि अगर सक्सेसफुली इसको मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाए तो बहुत हद तक कंपनसेशन हो सकती है। मैं ऐड ये करूँगा कि गवर्नमेंट ने जो सही तरह अपना केस प्रेजेंट किया है तो ये भी बड़ी चीज़ है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर लेवल पे, और तभी तो अब देखेंगे, अब रिस्पांस की बात है, हमने तो पुट अप कर दिया, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात है वो क्या करती है कि कितनी जल्दी रिस्पांस देती है। राइट अच्छा पाकिस्तान का ये जो एक प्लेटफॉर्म एक मयसर है पाकिस्तान को, आप क्या समझते हैं कि ऑब्वियसली केस तो पुट अप करेंगे, अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बिलावल साहब की जो एक फॉरेन पॉलिसी है एग्जैक्टली वही दिखाई दे रही है जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में आते हैं, एंजेलिना जूली साहब आती हैं, दुनिया भर के प्रेजिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में और ख़ासकर आज की स्पीच के बाद का रिएक्शन? देखिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव है, और देखिए फॉरेन पॉलिसी से बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी इन लाइन है तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती है फ्यूचर में। आप जब अपनी चीज़ों को इन लाइन कर लेते हैं विद फ्रेमवर्क आप जा रहे होते हैं ना, तो उसके रिजल्ट्स आगे आपको मिलते हैं, तो आप देखेंगे आगे जाके जो है और चीज़ें भी बेहतर होंगी, बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह से देखें ना, जब आपकी पॉलिसी इन लाइन है, आप दुनिया के साथ बैठ के बात कर रहे हैं और अपनी अपने अपना बता रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। अब हर चीज़ में देखिए इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो मैं यही कहता हूँ, मैं तो इवन को मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी अच्छी तरह उन्होंने पुट अप किया है, तभी जाके देखिए ना, अब जब लोग कह रहे हैं ना, US प्रेसिडेंट कह रहा है कि अंडर वाटर, तो मतलब हर लोगों ने रियलाइज कर लिया ना, आपने रियलाइज तो करा दिया, अब मैं कहूँ उस साइड से कितनी जल्दी रिस्पॉन्स आता है वो हम नहीं कह सकते, वहीं से पता चलेगा। राइट चले जी, फॉर्मर एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब ये बताइए, आज यूनाइटेड नेशंस में जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच होने वाली है, पाकिस्तान को अपना केस पुट अप करना है, क्या क्या की नोट्स हो सकते हैं? मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा, यहाँ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, आप भी अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू जो है वो हमें आगाह कीजिए। देखिए ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में
आमतौर पे हमारी तरफ से वजीर आजम जाते रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि जो पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान का जो थिंकिंग है और जो तवक्कुआत हैं उनको सामने लाया जाए। यानी बड़ा अहम आलमी इदारा है और इंटरनेशनल फोरम है, दुनिया की नज़रें उस पर मरकूज होती हैं। तो अब ये देखना है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब किन नुकात को उठाते हैं। जाहिर है कि इस वक्त हम पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाहकारी हुई है वो एक बहुत ही अहम इशू है, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें दिलचस्पी है। हमने देखा है काफ़ी मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराह ने इस का जिक्र किया है, अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब ने भी इस बारे में अपनी हमदर्दी और मदद की यकीन दहानी की है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर जाहिर है कि आलमी तशवीश है, इसलिए कि पाकिस्तान जो है एक लिहाज से जो दुनिया में मौसम में तब्दीलियां आ रही हैं, जिसकी मेन वजह यह है कि जो बड़े ममालिक हैं इक्तिसादी तौर पर G20 के, उनके यहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आलमी जो क्लाइमेट है उसके ऊपर बुरे असरात हो रहे हैं। और ये पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाहकारी है, ये ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ये जो आलमी मौसम में तब्दीलियां हैं उसकी वजह से हुई है। तो गोया हम एक चीज़ का नुकसान उठा रहे हैं जिसका हम जिम्मेदार नहीं हैं, दूसरे लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। तो इस लिहाज से भी मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्यूनिटी का ये पे का एक फ़र्ज़ है कि इस मौके पर पाकिस्तान की जितनी भी मदद की जा सके वो की जाए। इसके अलावा और भी इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, कश्मीर का मामला है, अफगानिस्तान का इशू है, और फिर ये जो पाकिस्तान की खासी दुश्वारियाँ हैं, इनका मेरे ख्याल में इन सब बातों का वो जिक्र करेंगे। और साथ ही में उनको ये भी मौका मिला है कि दूसरे मुल्कों के सरबराहों के साथ डायरेक्टली उनकी मुलाकातें भी होती रही हैं। तो ये गोया कि एक लिहाज से ऑल पर्पज एक विजिट है, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तकरीर तो उसका एक अहम पॉइंट है, लेकिन साथ में और जो मुलाकातें हो रही हैं, जो डिप्लोमेटिक कार्रवाई हो रही है उससे यकीनन फायदा होगा। फॉरेन पॉलिसीज देखी जा रही हैं, हमने देखा कि डिफरेंट मीटिंग्स, आज थर्ड डे है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी रखी जा रही हैं पूरी दुनिया के सामने, खासकर इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी के सामने केस पुटअप किया जा रहा है। आप समझते हैं कि कैनेडा या अमेरिका बड़े ममालिक जो हैं वो ज़्यादातर कार्बन एमिट कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान उसकी कॉस्ट भी पे कर रहा है, अभी हमारे पास जो सैलाबी मुतासरीन हैं वो तकरीबन अगर देखा जाए, उनको एक एस्टिमेटेड वे में बताया जाए तो कैनेडा की 80% आबादी समझा जाए तो वो खुले आसमान के नीचे बैठी है, पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान जब अपना केस तरीके से पुटअप करेगा तो ये जो टैक्सेज हैं, जो एनवायरमेंट टैक्सेज हैं या जो एक कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर जो टैक्स आयद होते हैं वो पाकिस्तान को या वो कंट्रीज जो इससे हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे आपने जिक्र किया, वो उनको टैक्स क्या दिया जाएगा? यकीनन मैं समझता हूँ कि ये देखिए सिर्फ एक पाकिस्तान का, यकीनन हमें तो नुकसान हुआ है, लेकिन ये एक देखा जाए कि एक आलमी इशू है, ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है और जो पोल्यूशन है जिसकी वजह से ये तबाहकारियां आ रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी खासतौर पर तो उन मालिक पे है जो अपने तौर पर बड़ी तरक्की याफ्ता हैं, जिनकी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ पे पेट्रोल की एमिशन ज़्यादा है, गैस की एमिशन ज़्यादा है। तो गोया के असल मसला तो उन लोगों की जो भी कार्रवाई है, इक्तिसादी कार्रवाई है, जो भी है उसका, उसकी वजह से पैदा हो रहा है नुकसान, हमारे जैसे मुल्कों को हो रहा है। तो इसलिए दुनिया को इस बात का एहसास है और यकीनन हमारे वज़ीर आज़म भी अपनी मीटिंग में उनको बता रहे होंगे कि आप सबकी रिस्पांसिबिलिटी है कि ऐसे मौके पे पाकिस्तान की मदद करें और ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने भी सिलसिले में हमारी बड़ा ताबुन किया है, हम उसके बड़े मशहूर हैं और मैं समझता हूँ कि यकीनन उनके इस दौरे से बड़े पाकिस्तान के लिए मतबद नतज निकलेंगे। एग्जैक्टली, पाकिस्तान का केस अच्छे से और मजीद पुटअप हो जाएगा आप समझते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब से, यूएस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, डिनर भी हुआ और प्रॉपरली बड़ा अच्छा सा जो है वो एक फ्रेंडली रिलेशन हमने देखे कि जो एक पिक्चर्स वगैरह आई हैं, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाक यूएस जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और क्या आपको दिख रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बड़े तारीखी ताल्लुकात रहे हैं और जितनी एड मिलिट्री इकोनॉमिक अमेरिका ने पाकिस्तान को दी है शायद किसी और मुल्क ने नहीं दी है ओवर ए पीरियड ऑफ 70 ईयर्स। अब ये पिछले सालों में यकीनन कुछ ना कुछ दुश्वारियां पैदा हुई हैं, ताल्लुकात में सर्द मेरी डेवलप हुई है और उसकी वजूहत तो एक तफसील से जा सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि
वो वाली पुरानी वाली बात नहीं रही है, और ये इसलिए मेरे ख्याल में नुकसानदेह है कि अमेरिका के साथ, चाहे अमेरिका अच्छा है या बुरा है, लेकिन इट इज द सोल सुपर पावर, उसके बड़े वसाइल हैं, उसके बड़ा असर रसूख है। तो हमारा जो उर्दू का एक मुहावरा है कि जब झील में रहना है तो फिर मगरमच्छ से बिगाड़ नहीं करते हैं, तो गोया कि अमेरिका के साथ एक नॉर्मल ताल्लुकात रखना जो है पाकिस्तान के कौमी मफाद में है। और मैं समझता हूँ कि जो सदर बाइडन के साथ एक्सपोजर हुआ है या और दीगर मुज़ाकरात होंगे, उससे हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में एक किस्म की नॉर्मलसी आनी चाहिए, चाहे वो कुर्बत ना हो जो माजी में थी। तो सर आप समझते हैं कि अब ये जो मीटिंग हुई है इसके बाद कुछ आइस मेल्ट हो गई होगी? What do you say? यकीनन देखिए, जब मीटिंग होना बताते खुद इस बात का इशारा है कि यकीनन पहले के मुकाबले में हालात में बेहतरी आ रही है। और देखिए अमेरिका को इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है, बड़ी उसकी खास लोकेशन है, एक बड़ी मिलिट्री ताकत है, उसका एक असर दुनिया में है, तो इसलिए अमेरिका के भी कौमी मफाद में है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए। तो उम्मीद है कि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं या हो रहे हैं इस वक्त, उसके नतीजे में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में पहले के मुकाबले में बेहतरी आएगी। वो पुरानी रिलेशनशिप तो नहीं कायम होने वाली, और एटलीस्ट नॉट इन ए हरी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वो भी हो जाएगी। वेल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, थैंक यू सो मच। शाहिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब जब यूनाइटेड नेशन में मौजूद है, ही इज वेरी एक्सपीरियंस, ही इज अ डूअर पर्सन। हमने पंजाब में ही जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो हमने देखा था कि बड़ा अच्छा सा उन्होंने जो है वो अपनी हम कह सकते हैं कि एज अ CM बहुत जबरदस्त उन्होंने डूएबल डायनेमिक रोल किए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे पोजीशंस मौजूद हैं एज प्राइम मिनिस्टर, वो डूअर हैं और करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी काम, और अपना केस भी सही पुटअप करेंगे। और ऑब्वियसली ये जो प्रेसिडेंट साहब से मीटिंग हुई है इसमें भी आइस मेल्ट हुई होगी, और पुराने जैसे ताल्लुकात, ये कहना कबल अस वक्त है लेकिन होते हुए वो ताल्लुकात बहाल होते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, अमीन यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ इस पर कॉमेंट करें। यूएस मीटिंग विद द यूएस प्रेसिडेंट इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर ऑफ आइस मेल्टिंग, ये भी खुद इंडिकेटर है ये तो क्या आइस मेल्ट हुआ है। एक क्वेश्चन लोगों के जहन में आ रहा है, लोग पूछते भी हैं, सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था इस तरह की बात होती है कि रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है इंटरनेशनल, जो इतना बड़ा क्राइसिस आ गया है। देखिए टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो हुआ है कोविड के फौरन बाद ग्लोबल इकॉनमी में एक स्लंप आ गया है, थ्रू आउट द वर्ल्ड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू पूरी दुनिया का इशू है। उस कोविड के जस्ट आफ्टर कोविड पाकिस्तान में क्राइसिस आया, जबकि वो अभी ग्लोबल इकॉनमी खुद संभल नहीं पाई है, तो रिस्पांस में टाइम लगता है। दूसरा हुआ है कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है, इसका हमें फील बेशक ना हो रहा हो लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ को बहुत सीवियर इफेक्ट है उन पे, वो फील कर रहे हैं। और इवन यस्टरडे, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कल ही US प्रेसिडेंट का बयान आया था कि ये रिसेशन कब ख़त्म होगा, कब नॉर्मलाइज होंगे इकॉनमी के हालात, वर्ल्ड इकॉनमी के, इट डिपेंड ऑन रशिया। ये कल की स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है जब ये दो बड़े बड़े क्राइसिस एक करंटली फेस कर रही है ग्लोबल इकॉनमी, एक इमीडिएटली पास्ट किया है, तो रिस्पांस आने में टाइम लगता है। तो मतलब है हम कह रहे हैं कि अभी फॉरेन रिस्पांस दे हर कंट्री बताए, सोशल मीडिया का आपने जिकर किया वो तो फिर कंपेयर ना करें हम उसको, क्रिटिक्स ही करना है, कोई अच्छी बात तो होनी नहीं है। इसमें मैं ऐड करूंगा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि देखिए मैं तो ये कहूंगा इवन दुनिया से रिलेशनशिप सबसे हमें अच्छी बना के रखनी है, अमेरिका के अलावा भी सबसे अच्छे हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। देखिए हमें बिजनेस भी करने हैं, इनसे रिलेशनशिप भी रखनी है, तो मैं तो ये कहूँगा हर मुल्क से रखें, सिर्फ अमेरिका के अलावा भी, खाली अमेरिका नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है देखिए कोविड आया, कोविड के बाद क्या हुआ, जब कोविड के बाद पता चला कि दुनिया की इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स थे, तो ये रिसेशन के बिल्कुल हालात खराब हुए क्यों, ये भी एक सवाल है। जब इतने अरसे से हालात अच्छे दिखाई दे रहे थे तो हालात खराब क्यों हुए? नहीं दुनिया भर के जैसे कोविड के बाद देखें, US की अगर नॉर्थ अमेरिका में आप चले जाते तो कितने बिजनेस, अमेरिका की बात करी थी रिलेशनशिप, जी जी रिलेशनशिप देखिए खराब है, वो आपको सबको बताया क्यों खराब हुए, एवरीबडी नोज इट के पिछली गवर्नमेंट ने अगर इस किस्म के ब्लेम्स किए कि ये था वो था, देखिए ब्लेम गेम करने से नहीं होता, हमें तो रिलेशनशिप सही रखने हैं। आप अमेरिका से सारी चीज़ें लेते हो, एम्यूनिशन लेते हो, F-16 के पार्ट्स लेते हो, सारी चीज़ें तो आप अमेरिका के बगैर हम नहीं रह सकते। अगर हम कहते हैं कि नहीं हम इसके बगैर रह सकते, कैसे रह सकते हैं? आप भाई ने खुद कह दिया सब है। कुछ है, एक्सपोर्ट्स हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स हर्ट हो जाएंगी, तो आपको तो जो ऑब्वियसली जो मैं अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूँ ना, मेरा अच्छा बड़ा बायर होता है तो उसको तो मैं ज़्यादा ख्याल करता हूँ कि भाई मुझे अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, तो आप एज अ बिजनेस भी ट्रीट करें। देखें मुल्क में तिजारत भी होती है ना,
इसके अलावा आपने बिजनेस भी करना है ना दुनिया से. अच्छा, इस्लाम की थोड़ी सी आप हिस्ट्री पढ़ें तो पहले भी तजारत नॉन मुस्लिम्स से की जाती थी, ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह से कह रहे हैं. जैसे मैंने कोई कैब नहीं होना चाहिए, रिलीजन भी नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए. डिफरेंसेस क्यों होने चाहिए, आप मुझे बताएं ना. बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप अपनी ट्रेड ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं. एक्सपोर्ट्स आपकी कैसे बढ़ेंगी, जब आप दुनिया से ताल्लुक सही रखेंगे तभी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, वरना तो आप ढूंढते ही रहेंगे मार्केटें. आप आइसोलेट होकर बैठे, आइसोलेट तो नहीं हो सकते ना, दुनिया में रहना है ना हमने. अच्छा, अभी फॉरेन पॉलिसी भी बड़ी जबरदस्त देखी जा रही है, बड़ा ही एक लग रहा है हर जगह से कि तेजी के साथ काम हो रहा है, स्पीड है. तो अब ये जो स्पीड है और गवर्नमेंट के पास टाइम भी शॉर्ट है, आप समझते हैं अपना केस भी पुट अप करना है, पाकिस्तान को मुश्किल हालात से भी निकालना है और अपना वोट बैंक भी रखना है, ये कैसे मुमकिन होगा इतनी ज्यादा एफर्ट्स और फिर ये इशू? देखिए, एफर्ट्स तो आप लगाएं, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें. देखिए, आगे का कुछ भी नहीं पता होता कि यूक्रेन का रशिया का, हमें नहीं पता था कि वॉर हो जाएगी और दुनिया के हालात हो जाएंगे. तो एक सेकंड के बाद हम यहाँ से उठ के जाएंगे, हमें नहीं पता क्या हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, क्या हो जाए, क्या प्राइसेस चले जाए. तो हम, लेकिन हम प्रिपेयर तो कर सकते हैं ना अपने आपको फ्यूचर के लिए. फ्यूचर के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और दुनिया भर से ताल्लुकात अच्छे रखें, बिजनेस बढ़ाएं और इन्वायरमेंट आपके लिए सबके लिए फ्रेंडली होना चाहिए. आप किसी के साथ, किसी को आंखें नहीं दिखाएं ना उसको बोले वो मुझे आंखें दिखाएं, तो किसी की, किसी को नहीं कहे कि वो आंखें दिखाएं ना हम किसी को आंखें दिखाएं, तो हमें तो काम करना है ना. राइट डॉक्टर साहब, प्लीज इसमें ऐड ऑन कीजिए. एक से अगर हम ताल्लुकात बढ़ाते हैं, सिर्फ ट्रेड रिलेशन नहीं है अमेरिका से, इन्वेस्टमेंट भी है वहाँ से, रेमिटेंसेस भी आते हैं, सारे इकोनॉमिक रिलेशन है. एक से अच्छे ताल्लुकात रखने का इंटरनेशनल इकोनॉमी में ये कभी मतलब नहीं होता कि दूसरे से ताल्लुकात खराब कर लिए जाएं. एक पावर नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर आज एक नहीं है. आज जब G20 का अभी अमीन साहब ने भी मेंशन किया था, G20 ग्रेट 20 हैं वो, आज 20 इकोनॉमिक पावर तो उसी से वही मौजूद है. G8 है, 8 इकोनॉमिक पावर मौजूद है, एक पावर नहीं है. हमें सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने हैं. और आपने बड़ा कहा कि लेकिन खराब किसी से भी करने नहीं कर रहे. देखिए, आपने अभी सही कहा, जब आपने इस्लाम का लफ्ज़ यूज़ किया, मुझे वो अर्ली हिस्ट्री जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि वो शेब अबी तालिब पे जो मुसलमान कैद हो गए थे, वो जो एग्रीमेंट था जो खाना काबा में लगाया गया था, उसकी एक क्लॉज ये थी कि ना कोई इनसे ट्रेड करेगा, ना खरीदेगा, ना इनको बेचेगा. ट्रेड बैरियर जो लगाए गए हैं हिस्ट्री में, वो मुसलमानों के खिलाफ लगाए गए हैं. मुसलमान नहीं लगाते ट्रेड बैरियर, हम तो उसको उसको निगेट करते हैं, हम तो उसके मुखालिफ हैं. सबसे तजारत करना चाहते हैं, यस, सबसे तजारत करनी चाहिए. तजारत हमारे खिलाफ तजारती पाबंदियाँ लगती रही हैं, बहुत सारे कश्मीर की एग्जाम्पल है, फलस्तीन की एग्जाम्पल है. Right. हम तो चाहते हैं सबसे तजारत होनी चाहिए. अच्छा, तजारत के हवाले से बात हो रही है, इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है. अब पाकिस्तान ये मुश्किल क्राइसिस में है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब अपना केस यकीनन सही से पुट अप करेंगे, इसके इकदाम आपने कहा कुछ डिले हो सकते हैं, कितना डिले हो सकता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कब तक रिएक्ट कर सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि आज मैसेज तो चला गया है, मैसेज चला गया है और खुद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल विजिट भी कर चुके हैं, एक बड़े पावरफुल प्लेटफॉर्म से मैसेज गया है. यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, एक बहरहाल उसका वर्ल्ड में एक से है कि उसके उसकी स्टेटमेंट की, यूएन के सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट, और ब्लूमबर्ग बहुत बड़ा अदारा है. ब्लूमबर्ग में अगर इन्वेस्टर्स को जो कम्युनिकेट करता है, इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करता है, तो बड़े प्लेटफॉर्म से मैसेज तो कन्वे हो गया है. अब रिस्पॉन्स जो आना होता है, रिस्पॉन्स में देखें दो तरह के होते हैं. एक होता है बायलैटरल इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्स, वो मेरा ख्याल है मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज या कल डिसाइड हो जाएगा. अच्छा, बायलैटरल इंस्टीट्यूशन का, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जो अदारे हैं यूनाइटेड नेशंस, ये बायलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है. लेकिन जो कंट्री लेवल पे है वो मल्टीलैटरल अभी आ जाएगा. जो कंट्री लेवल पर है वो कंट्रीज ज़ाहिर है डिसाइड करती हैं, उनकी पार्लियामेंट रेटिफाइड करती हैं, वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, वो डिले हो सकता है. लेकिन ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि कल तक रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. आप खबरें देखिएगा, चलें फिर होपफुली हम जब ये बताएं और नेक्स्ट प्रोग्राम करें तो उसमें एक अच्छी और गुड न्यूज़ शेयर कर सकें. अच्छा, अगेन मैं अमीन यूसुफ साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी क्राइसिस भी हैं और अभी कुछ हेल्प के हवाले से ही बात हो रही है, स्टॉक मार्केट के ऊपर आप जरा एक क्विकली एक कॉमेंट कर देंगे, क्या दिखाई दे रहा है इस वीक के अंदर? देखिए, स्टॉक मार्केट क्यों डाउन है कि करेंसी आपकी स्टेबल नहीं है. जब करेंसी स्टेबल नहीं होती ऑब्वियसली तो इन्फ्लेशन बढ़ने का होता है. अगर देखें डॉलर से कन्वर्ट होती हैं सारी चीज़ें, तो ज़्यादा तो महंगाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग फिक्स की तरफ जाएंगे, स्टॉक मार्केट से भागेंगे. तो यही वजह है कि एक सर्टेनिटी भी नहीं है पॉलिटिकल फ्रंट से भी. देखें, इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए पॉलिटिकल फ्रंट से भी चीज़ें नहीं है ना कि बैठ के कुछ कर लें,
मतलब ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है और करेंसी को भी स्टेबल, सबसे मेन इशू जो है ना करेंसी का है। आपकी करेंसी स्टेबल नहीं है इस लेवल पे, तो मैंने जैसे आपको बताया था उसकी वजह से देखिए सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो इन्फ्लोज आने के वो भी नहीं आएंगे, जिसने इन्वेस्टमेंट ली के आनी वो भी रुक गया है, FDI भी नहीं आएंगे, तो वो वेट एंड सी वाली, जब वेट एंड सी होती है ना उसमें ये होता है कहते हैं कि मार्केट में सेलर है बायर नहीं है तो मार्केट नीचे जाएगी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी हैं। आप ये मुझे बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ कंट्रीज ऐसी भी हेल्प कर सकते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर हो कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए उसमें सबसे बड़ा तो बायलैटरल वर्ल्ड बैंक का अपना एक सब्सिडियरी है IFC जो इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटीज में, कंपनीज में आता है, हो सकता है वहाँ से एड्रेस हो, लेकिन उसकी अपनी फिजिबिलिटीज होती हैं, वो देखता है। और उनकी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को जो चीज़ इफेक्ट करती है, अभी इनसे हमने बिल्कुल सही कहा, अनसर्टेनिटी नंबर वन, इसको रिमूव होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ आप इग्नोर कर गए कि इंटरेस्ट रेट के मुतालिक जो इंक्रीजिंग एक ट्रेंड आ गया है वो इन्वेस्टमेंट को बहरहाल हिट कर रहा है। और तीसरी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, वैल्यू में दोनों चीज़ें आती हैं, डोमेस्टिक वैल्यू जो इन्फ्लेशन से मेजर करते हैं, इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ करेंसी जो हम दूसरी करेंसी से वैल्यू। अच्छा, में क्विकली मुझे ये भी बता दें, स्टेट बैंक के हवाले से आज एक न्यूज़ आई है कि वो कुछ क्रैक डाउन कर रहे हैं बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स पे, तो ये अनफॉर्चुनेटली 8 बैंकों का जिक्र किया गया है कि उन बैंकों ने जो रोल प्ले किया है उनको नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था, इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था जितना बड़ा क्राइसिस बना के पेश किया गया, क्योंकि श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया तो उसकी मिसाल बना ली गई कि शायद खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, वो उसमें अनफॉर्चुनेटली बैंक्स का कुछ नेगेटिव रोल स्टेट बैंक ने आइडेंटिफाई किया है। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीन यूसुफ साहब आप भी तशरीफ़ लाए और शाहिद अमीन साहब भी हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। ओवरऑल आज के दिन हमने यूनाइटेड नेशन के हवाले से गुफ्तगू की, जो ये 77th सेशन है जारी है, और साथ साथ आज प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्पीच भी है जिसपे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया जो है वो इस पर नज़रें लगा के बैठी है कि पाकिस्तान का केस कैसे पुटअप होगा और पाकिस्तान जो इस मुश्किल हालात में है कैसे निकलेगा। दैट्स इट, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। We'll be right back.